एक साल पहले की बात है। रेखा नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी करती थी। रेखा के कोचिंग सेंटर के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रेखा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन रेखा का बर्थडे आ था, तो रेखा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में रेखा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद रेखा के फ्रेंड्स ने रेखा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और रेखा को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 25 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब रेखा और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने रेखा को आवाज़ लगाई। लड़का बोला, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। रेखा बोली, थैंक यू। रात को जब रेखा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। रेखा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, रेखा जी, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपके मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। वैसे मेरा नाम मोहित है। अगले दिन अब रेखा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा मोहित रेखा की तरफ ही देख रहा था, लेकिन रेखा ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी रेखा रेस्टोरेंट आती तो मोहित की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इस तरह कुछ दिन बीत गए। मोहित रेखा से बात करना चाहता था, लेकिन रेखा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण मोहित भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद रेखा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे मोहित की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। रेखा सोचती है कि शायद मोहित का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। अब रेखा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि मोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था, वो अभी कहाँ है? उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का रेखा को कहता है कि नहीं, मोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन रेखा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो मोहित को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। मोहित रेखा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए। रेखा बोली, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। मोहित बोला, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रेखा बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? मोहित बोला, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे ज़रूर मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। रेखा मोहित से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई और कैरियर को देखना है। मोहित ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा,
जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो। लेकिन मैं क्या करूं? आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। रेखा मोहित की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में रेखा सिर्फ मोहित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि रेखा के दिल में भी मोहित के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में रेखा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और मोहित को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। मोहित जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, मोहित जी, मुझे भी अब आपसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर मोहित के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से रेखा और मोहित की प्यार की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।